ओके एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सूरत का गणेश उत्सव। सूरत में बप्पा का किस तरीके से आगमन होता है, कौन से जोरों शोरों से किस तरीके से सूरत में आगमन होता है बप्पा का, मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो बिना कोई वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फादर एंड सन्स, एंड आई होप आप सब बढ़िया हो गए। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो आज है डेट 18 सितंबर। यस, तो आज है डेट 18 सितंबर, और 19 सितंबर को आप सभी को पता है कि क्या है, गणेश चतुर्थी है। एंड 18 सितंबर को आज, यानी कि आज हम कर रहे हैं बप्पा का आगमन। एंड व्लॉग में यही बताने वाले हैं कि हम बप्पा का आगमन कैसे करने वाले हैं। बेसिकली आज हमारा एक ग्रुप है, मैं आपको बता देता हूँ पहले कि मेरे और मेरे फ्रेंड्स का, हम सब ने मिलकर ग्रुप बनाया जिसका नाम है सिद्धि विनायक ग्रुप। और आज हम लाए हैं बप्पा की मूर्ति, मतलब हम एक दो साल से बप्पा की मूर्ति लेके आ रहे हैं। एंड कल कुछ निकल चुके थे 2 बजे ही रात के बप्पा को लाने के लिए, एंड कुछ सुबह 6 बजे हम बप्पा को वेन्यू पे लेके आ चुके थे जहाँ से हम बप्पा का आगमन करने वाले हैं, आगमन शुरू होने वाला है। तो उधर हमने ला के रख दिए सुबह कुछ 6-7 तो बज ही गए थे, आपको 7 तो बज ही गए थे। एंड उसके बाद घर पे आ गए थे हम एंड सो गया था मैं। एंड थोड़ी देर उठने के बाद बाकी सारे हमने वर्क शुरू कर दिए थे कि बप्पा को अच्छे से थोड़ा बहुत सजाना था, तो हमने सजा दिया था, सब सजा चुके हैं। बप्पा को अच्छे से लाने वाले हैं इस बार हम, एंड बहुत धूमधाम से बप्पा को लाएंगे। एंड काफ़ी सारी नई मतलब डीजे मंगवा रखा है, ढोल वालों को मंगवा रखा है, साथ में काफ़ी कुछ मंगवा रखा है यार। आपको बहुत अच्छे से हम दिखाने वाले हैं आज व्लॉग, तो आप सभी को उससे आइडिया भी आ जाएगा कि अगर आप सूरत से बाहर से कहीं से हो तो कैसे हम सूरत वाले बप्पा का आगमन करते हैं। तो अभी बज चुके हैं 8, एंड 10 बजे से पहले हमको हमारे वेन्यू पे पहुंचना है, तो फटाफट मैं रेडी हो जाता हूँ। सो आफ्टर ऑल मैं रेडी हो चुका हूँ, मैंने अपना आउटफिट पहन लिया है, और हमारा ड्रेस कोड है आज का वाइट, तो मैंने पैजामा भी वाइट पहना है, कुर्ता भी वाइट पहना है, एंड एक फॉर्मल वॉच पहनी है। कमेंट बॉक्स में बताना यार मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मुझे कॉल आ चुके हैं मेरे फ्रेंड्स के, एंड उसने बोला फटाफट लोकेशन पे आ जा, तो बिना कोई वक्त जाया कि फटाफट मैं भी निकलता हूँ अपने घर से। तो अभी हम हमारी लोकेशन पे आ चुके हैं, एंड मेरे को थोड़ा लेट हो चुका है आने में। एंड यहाँ पे ढोल नगारे वाले आ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे, एंड साथ में डीजे वाले भी आ चुके हैं, और सब सेटअप हो चुका है। एंड थोड़ी देर के बाद हम करने वाले हैं बप्पा का आगमन। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स बस इसी घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारे बप्पा का आगमन हो, और इंतज़ार की घड़ी हो चुकी है ख़त्म। अब हम करते हैं हमारे बप्पा का आगमन, एंड आपको करवाते हैं हमारे बप्पा के दर्शन। साथ में सूरत में और बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, उसके भी दर्शन करवाएंगे, पर सबसे पहले करवाते हैं हम हमारे बप्पा के दर्शन। तो सबसे पहले कि हमने हमारे गणपति बप्पा की आरती, एंड कमेंट डाउन में ये ज़रूर बताना कि आपको हमारे गणपति बप्पा कैसे लगे। तो अभी मैं आपको करवाता हूँ बड़ी मूर्ति के दर्शन। तो ये है सूरत की बड़ी मूर्ति, एंड आप तीनों के तीनों बड़ी मूर्तियाँ देख पाओगे। ऐसी सूरत में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती है, बट ये तो जस्ट हमारे एरिया की ही है। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय।
तो हमारी पब्लिक को हमारी मूर्तियाँ बहुत अच्छी लग रही थी, काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे थे एंड फ़ोटो खींच रहे थे। यहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी फिर भी यहाँ पे आके लोग फ़ोटोज़ खींच रहे थे, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन में ये ज़रूर बताना कि आपको हमारी मूर्ति कैसी लगी। तो अचानक से बारिश शुरू हो गई एंड हमने बप्पा की मूर्ति को ढक दिया तुरंत ही कि बप्पा को गीला नहीं होने देना है। एंड थोड़ी देर में हम हमारी सोसाइटी पहुंच जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी सोसाइटी में एकदम धूमो धाम से एंड अभी हम हमारी बप्पा की मूर्ति को हमारे मंडप में रख रहे हैं एंड मंडप में रख दिए हमारी बप्पा की मूर्ति को। कैसा लग रहा है ये भी कमेंट डाउन में ज़रूर बताना। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पर। सो केविन, अभी मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ कि मैं कितने बजे अपने घर पे आया था। तो मैं कुछ आया हूँ 4:14 को, ये पापा का मोबाइल है, तो 4:14 को मैं घर पे आया हूँ। एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैं कुछ बोलने नहीं वाला क्योंकि पापा सो चुके हैं एंड मैं उनकी नींद बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं वॉइस ओवर करने वाला हूँ इस वीडियो पे भी। तो ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको बप्पा का आगमन अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए, आपकी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।